जब गेट से आप सामने एंटर करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये बिल्डिंग है दिलकुशा पैलेस। उन्होंने ये सैनिकों के अभ्यास के लिए ये बिल्ड कराया था, बट अंग्रेजों ने इस पर आपत्ति जताई। पीछे वाली बिल्डिंग मैंने सामने से दिखाई थी एंड इसके बगल में एक और बिल्डिंग है, ये है मेन कोठी एंड ये हमारा इंडिया का फ्लैग लहराता हुआ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम आए हैं दिलकुशा कोठी, ये भी एक हिस्टोरिकल साइट है लखनऊ में, एंड चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं एंड जानते हैं इसका हिस्ट्री। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like ये है दिलकुशा कोठी, ये है इसका साइट प्लान, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट दिलकुशा पैलेस, नॉर्थ ईस्ट बिल्डिंग, सिमेट्री, प्लेटफॉर्म, सुवियर शो, कैफेटेरिया, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट। ये पूरा आता है आर्कियोलॉजिकल साइट के अंदर ही। बाकी ये डूज एंड डोंट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमने एंट्री किया था ये वाले गेट से एंड इसका कोई टिकट प्राइस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जब गेट से आप सामने एंटर करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये बिल्डिंग है दिलकुशा पैलेस, इसका हिस्ट्री भी लिखा हुआ है। इसका निर्माण नवाब वाजिद अली शाह ने करवाया था 1847 से 56 के बीच। तो उन्होंने ये सैनिकों के अभ्यास के लिए ये बिल्ड कराया था, बट अंग्रेज़ों ने इस पर आपत्ति जताई और इसे बंद कराने को कहा, लेकिन बादशाह ने मना कर दिया था। एंड ये बिल्डिंग यूरोपियन स्टाइल में बनी हुई है। ये है पूरी बिल्डिंग एंड पूरा ये ग्रीन एरिया है ये छोटा सा। चलते हैं आगे एंड ये हमारा इंडिया का फ्लैग लहराता हुआ। बाकी आगे ये ट्रीज लगे हैं, ये नारियल का पेड़ है ना। एंड इधर है ये मेन बिल्डिंग। तो हम पूरा घूम के चलते हैं। ये पीछे वाली बिल्डिंग मैंने सामने से दिखाई थी एंड इसके बगल में एक और बिल्डिंग है। बाकी ये इतने में ख़त्म है। ये थी सामने वाली बिल्डिंग एंड ये क्लोज्ड है, बंद कर रखा है इसको। अब ये वाला मॉन्यूमेंट का देखते हैं हम, आगे लिखा है। ये है टू सिमेट्रीज इन दिलकुशा कॉम्प्लेक्स एंड इसमें टू ग्रेव्स ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स। फर्स्ट ग्रेव इज ऑफ लेफ्टिनेंट चार्ल्स कीथ। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like ये है बिल्डिंग, ये है मेन कोठी, यह ओल्ड पैलेस एट दिलकुशा कोठी लखनऊ। ये ओल्ड पैलेस था एंड उसको बिल्ड कराया था सादत अली खान ने। एंड ये बेसिकली एक समर रिजॉर्ट टाइप का हुआ करता था और ये एक हंटिंग लॉन्च था फॉर द नवाब्स ऑफ अवध। बाकी आप इसमें पूरा पढ़ सकते हो। तो ये था, ये उनका लॉज टाइप का था। ये भी बंद है बट हाँ इसमें कुछ तो दिख रहा है अंदर। इसमें क्या अच्छा लग रहा है, खाली है ये नहीं। So building
as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. तो ये था दिलकुशा कोठी. काफ़ी छोटा सा एरिया है, ग्रीन है, विदाउट एनी टिकट प्राइस, और आप आराम से चिल कर सकते हो, बैठ सकते हो. बाकी अभी तो बहुत धूप थी तो एकदम हालत ख़राब हो चुकी है. एंड इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड. शायद इसके बगल में कोई गार्डन भी है, देख सकते हैं वहाँ पे भी. बाकी हम इसके बाद शायद कहीं और जाएं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर वो इसी व्लॉग के साथ आ जाएगा, देखते हैं, डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इंस्टाग्राम पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. बाय.